नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षक भक्षक बन गया और उसने नाबालिग छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जब घटना का पता परिजनों को चला, जिसके बाद परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस से की, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना पुलिस से नाबालिग छात्रा के परिजनों ने शिकायत की कि उनके घर ट्यूशन पढ़ाने आने वाले एक शिक्षक ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ काफ़ी समय से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जब उनकी नाबालिग बेटी को पेट में दर्द हुआ तो उसके बाद ही वह उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उसकी जाँच हुई तो पता चला कि बेटी गर्भ से है, जिसके बाद परिजनों ने जब नाबालिग से घटना के बारे में पूछा तो उसने आरोपी शिक्षक सौरभ उपाध्याय का नाम लिया और कहा कि वह काफ़ी समय से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। आरोपी शिक्षक ने नाबालिग छात्र से बहला फुसलाकर काफ़ी समय से दुष्कर्म किया है। परिजनों ने नाबालिग की बात सुनकर बहोड़ापुर थाना पुलिस उसकी शिकायत की, जिसके बाद बहोड़ापुर थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक सौरभ उपाध्याय के खिलाफ पॉस्को एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी शिक्षक फरार चल रहा है। थाना बहोड़ापुर क्षेत्र में एक बालिका ने अपने साथ दुष्कर्म की शिकायत की है। उसका कहना है कि उसके घर पे पढ़ाने आने वाले शिक्षक ने उसके साथ गलत काम किया है। बालिका का स्वास्थ्य खराब होने पर उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया था और उसके माता पिता को तब उसने ये बात बताई। पुलिस ने प्रथम दृष्टया प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी भी फरार। सर, घर पर कौन कौन रहता था, कैसे क्या फरियादिया का घर बावड़ापुर क्षेत्र के सूर्य नगर इलाके में, जहाँ पर उसके माता पिता भाई बहन रहते थे।